अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक बार फिर से आपको सरदार का आदमी खुश आमदीद कहते हैं। तो आज आपके पास मैं गाड़ी लेके आया हूँ, टोयोटा TZ। तो आज इसका इंशाल्लाह रिव्यू करते हैं, टोटल रिव्यू इसका करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं इसकी लाइट्स, जो कि बहुत ही शाइनिंग डिज़ाइन और बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में कंपनी वालों ने इसमें इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पे इस पर आप देख सकते हैं फॉग लाइटें भी इसमें फ़िक्स हैं। उसके बाद क्रिस्टल लाइट्स जो आ जाती हैं वो भी इसमें फ़िक्स हैं। नीचे हमारे पास फिर से फॉग लाइट्स जो हैं वो आ जाती हैं। बाकी इसमें आप टोयोटा की ग्रिल वगैरह चेक कर सकते हैं कि कितनी प्यारी इंस्टॉलमेंट की गई है। तो बहुत ही आउट क्लास जो है, आउटस्टैंडिंग यह है ये गाड़ी है। उसके बाद हमारे पास इसके टायर्स वगैरह जो आ जाते हैं, काफ़ी बड़े टायर्स आ जाते हैं, तकरीबन 285-60 के टायर्स हमारे पास आ जाते हैं इसमें। तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है ये, आपको मैं इसका टोटल रिव्यू करवाता हूँ। बैक पे आ जाते हैं, तो बैक पे हमारे पास इसकी आप लाइट्स चेक कर सकते हैं, कितनी आउट क्लास जो है वो इंस्टॉलमेंट इसमें की गई है। क्योंकि तो गाड़ी भी काफ़ी महंगी है, तो इस वजह से लैंड क्रूज़र प्राडो इसका नाम है, TZ जी, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये की ये गाड़ी है, सेकंड हैंड। बाकी आपका आपको मैं इसका अंदर से भी जो है वो रिव्यू करवाता हूँ इंशाल्लाह, अंदर से आपको चेक करवाते हैं ये गाड़ी। तो सबसे पहले बात करें इसके डोर की, तो फुली ये जो है वो ऑटो है, गाड़ी ऑटोमेटिक है। इसके मिरर वगैरह लॉक वगैरह हो गए। उसके बाद हमारे पास इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप, जिससे हम गाड़ी को स्टार्ट वगैरह करते हैं, तो फुली ऑटो गाड़ी है ये। और भी आपको दिखाते हैं इसके जो हैं फंक्शन वगैरह के, बाकी गाड़ियों की नस्बत ये कितनी अच्छी गाड़ी है। उसके बाद हमारे पास इसके एसी वगैरह ऑप्शन वगैरह आ जाते हैं, एसी काफ़ी अच्छा है इसका। बाकी जितना इस गाड़ी का सिस्टम है वो हमारे हैंडल में आ जाता है, स्टेयरिंग हैंडल में, के गाड़ी को फुल जो है कंट्रोल करना वो हमारे एक ही हाथ के नीचे है। यानी कि बाकी गाड़ियों का होता है कि आगे पीछे, यहाँ इसका एक ही जो है सिस्टम है वो हैंडल के अंदर ही होता है सारा सिस्टम। ये मोड वगैरह हो गया, स्पीकर के वॉल्यूम और अप डाउन करना, कॉल वगैरह आए, LED जलाना, ये सब कुछ जो है हमारे पास इसमें आ जाता है। हमारे पास डिग्गी वगैरह ओपन करना, बैक कैमरा हो गया, फ्रंट कैमरा हो गया, इसमें दो कैमरे इंस्टॉलमेंट किए गए हैं। उसके बाद आपको मैं चेक करवा देता हूँ ये इसके जो गियर वगैरह हैं। ऑटो गाड़ी है ये, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले शिफ्ट लॉक आ जाता है, P आ जाता है, R आ जाता है, उसके बाद N आ जाता है, D आ जाता है, और D-S जो है ये हमारे पास इसलिए होता है कि पावर फुल गाड़ी को बनाने के लिए यहाँ पे पहाड़ी इलाके में चले जाए तो D-S पे इसको रखते हैं, तो ये गाड़ी जिस तरह ट्रैक्टर वगैरह चढ़ते हैं उससे भी ये जो है यहाँ पे अच्छी काम करती है। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये सनरूफ आ जाता है, इसमें ये सनरूफ भी लगा हुआ है, लाइट्स वगैरह हो गई ओपन डोर, ये सब कुछ इसमें जो है इंस्टॉलमेंट किया गया। बहुत ही फिट गाड़ी है ये। उसके बाद सीट्स वगैरह आप इसकी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि कितनी प्यारी हैं। बैक सीट्स चेक कर सकते हैं, उसके पीछे डिग्गी वगैरह आ जाती है। इंशाल्लाह मैं इसका फिर से रिव्यू करूँगा, ये सुबह सुबह मैंने गाड़ी वगैरह थोड़ी स्टार्ट की तो मैंने बोला चलें आपके साथ इसकी जो है रिव्यू शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये बॉक्स आ जाता है, काफ़ी बड़ा बॉक्स है इसके साथ हमारे पास, जिसमें हम अपनी चीज़ें वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। चार्जर वगैरह इसमें देख सकते हैं आपके कितनी अच्छी। उसके बाद दोस्तों ये आपको मैं दिखाता हूँ कि, तो दोस्तों ये आज TZ का हमने रिव्यू किया है। तो दोस्तों इंशाल्लाह इसी तरह की गाड़ियों में आपके पास लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है वो आज की अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे लूँगा इजाज़त, तो अल्लाह हाफिज़।